हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपने मोबाइल के स्क्रीन को रिकॉर्डिंग करेंगे। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे ऐसे ट्यूटोरियल मिल जाएगा जहां पे ये दिखाया जाता है कि कैसे हम मोबाइल के स्क्रीन को रिकॉर्डिंग करेंगे। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो मोबाइल के स्क्रीन पे ही सिखाई जाती है, तो मैं आज आपको इस वीडियो में डिटेल से दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने मोबाइल के स्क्रीन को रिकॉर्डिंग करेंगे। तो मैं आपको बहुत ही बढ़िया और शानदार तरीके से आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने मोबाइल के स्क्रीन को रिकॉर्डिंग करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। Shut up and sit down. फोन में प्ले स्टोर को ओपन करेंगे और इसमें आपको टाइपिंग कर देना है एक्स रिकॉर्डर। यहाँ देखिए ऊपर में ऑप्शन है, इसको हम ओके करते हैं। यहाँ पर देखिए मैं पहले से इसको इंस्टॉल कर रखा हूँ, तो आप भी इंस्टॉल कीजिएगा तो आपके सामने भी ओपन का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ देख रहे हैं कि 4.7 का रेटिंग है और यहाँ पर देख रहे हैं कि 100 मिलियन प्लस में इसका डाउनलोड हुआ है, तो समझ सकते हैं कितना शानदार कितना पावरफुल ये एक्स रिकॉर्डर है। ज़्यादातर जो यूट्यूबर है इसी एक्स रिकॉर्डर का यूज़ करते हैं। चलिए हम बैक आते हैं और जहाँ भी डाउनलोड कर रखे हैं वहाँ से हम इसको ओपन हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर एक्स रिकॉर्डर मेरा है, यहाँ पर देखिए मैं यहाँ से ओपन हो जाता हूँ और कुछ आपको इस तरीके से इसका यूजर इंटरफेस आपको मिलेगा। यहाँ पर देखिए नीचे राइट साइड में सेटिंग का ऑप्शन है, सेटिंग वाले पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ सबसे पहले आपको रेजोल्यूशन सेट कर लेना है। अगर आप यूट्यूब के लिए वीडियो बनाते हैं तो 720 पिक्सल ही रहने देना है। यहाँ पर क्वालिटी चूज कर लेना कि आपका कितना क्वालिटी चाहिए। अगर फिर क्वालिटी ज़्यादा बढ़ाते हैं तो आपकी वीडियो की साइज बढ़ जाएगा। मैं रिकमेंड करूँगा 60 mb/s ही रहने दें। यहाँ FPS आप 25 रखिएगा या फिर आपकी वीडियो का साइज बढ़ जाएगा। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगा, नीचे आने के बाद यहाँ पे है रिकॉर्डिंग ऑडियो। आप चाहते हैं कि हम जब भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करें तो उसके साथ ऑडियो भी हो, यहाँ पर टिक रहने देना है, नहीं तो यहाँ से टिक हटा देना। हम चाहते हैं तो यहाँ पर टिक रहने देंगे। यहाँ पर है सेव लोकेशन, आप चाहते हैं कि जब भी हम रिकॉर्डिंग करें वीडियो का तो वो कहाँ पर सेव हो, तो इसके लिए यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज या मोबाइल में या आप SD कार्ड में चाहते हैं। जैसे हम इंटरनल में चाहते हैं तो इंटरनल स्टोरेज में चूज़ कर लेंगे। हम चाहते हैं कि SD कार्ड में हो तो हम यहाँ SD कार्ड चूज कर यहाँ करके ओके कर देंगे। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइए, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे काउंट डाउन का। यहाँ पे अपना काउंट डाउन सेट कर सकते हैं 5, 10 और 3 रहने देते हैं। स्क्रॉल डाउन करके नीचे अगर यहाँ पर स्क्रीन शॉट का भी आप टिक कर सकते हैं कहाँ सेव हो, तो आपको मोबाइल में SD कार्ड में ही सेव होगा। कैमरा पर सेटिंग कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि ब्रश का हम यूज़ करें तो टिक रहने देना, नहीं तो यहाँ से टिक हटा देना। हम चाहते हैं तो यहाँ से हमको टिक रहने देना है। इसके बाद यहाँ से आपको कोई भी सेटिंग नहीं करना है, यहाँ से आपको बैक आ जाना है। यहाँ से या फिर आपको क्या करना है, एक्स रिकॉर्डर को आपको ओपन कर लेना है। यहाँ से आपको जैसे यहाँ एक्स रिकॉर्डर ओपन हो जाता है तो आपको फिर आपके सामने कुछ इसी तरीके से ही आपको यूजर इंटरफेस आपको मिल जाता है। यहाँ देख रहे हैं कि रेड का आपको निशान मिल रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। या डाउनलोड का ऑप्शन है तो यहाँ पर यह कंटिन्यू का ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पर आपको कंटिन्यू वाला पे ओके कर देना है। ऐसे इस पर ओके करते हैं, स्टार्ट नाउ का ऑप्शन आ चुका है, स्टार्ट नाउ पर ओके कीजिएगा। यहाँ देखिए काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर देखिए आप जो भी गतिविधि कीजिएगा वो सारे के सारे यहाँ पे आपका रिकॉर्ड हो रहा है। जैसे मैं यहाँ पे टूल्स फाइल को ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं माई फाइल है, मैं माई फाइल को ओपन कर लेता हूँ और ओपन करके यहाँ पे देखिएगा कि आप बहुत सारे वीडियो देखिए होइएगा जिसमें यूट्यूबर जो समझाते रहते हैं कुछ मार्का को हाईलाइट करके, तो मैं इस तरीके से यहाँ पर देखिए इस तरीके से आप भी समझा सकते हैं। यहाँ सर्कल डाल के इस तरीके से समझा सकते हैं, यहाँ स्क्वायर डाल के भी आप समझा सकते हैं। कलर चेंज करना होगा तो इससे कलर आप चेंज कर सकते हैं इस तरीके से, और यहाँ पर आपका कलर देखिए यहाँ पे चेंज हो चुका है, तो इस तरीके से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। जो भी आप चेंज करना चाहते हैं इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। इसको यहाँ पर एरो पर जाके जितने हैं जो आप हाईलाइट किए हुए हैं इसको यहाँ पर जाकर आप इसको इस तरीके से हटा सकते हैं। और आप जो भी ट्यूटोरियल बनाते हैं, जो भी आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं और अपने व्यूअर्स को जो भी समझाना चाहते हैं आप यहाँ से जाके बहुत ही आसानी से आप समझा सकते हैं। जैसे यहाँ पर कोई पार्ट आपको समझाना है अपने व्यूअर्स को, अपने सब्सक्राइबर को, आप कोई ट्यूटोरियल बनाते हैं तो आप यहाँ से जाके बहुत ही आसानी से जो है एक्स रिकॉर्डर इसको आप डाउनलोड करके और बहुत ही आसानी से आप अपने जो भी व्यूअर है, जो भी सब्सक्राइबर है, आप उसको बहुत ही आसानी से आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आप समझा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डर है।
ये जो है 100 मिलियन प्लस में आप समझ सकते हैं कितना शानदार और कितना बेस्ट ये स्क्रीन रिकॉर्डर है। तो आप भी इसको यूज़ कीजिए, अगर आप एक बार इसको यूज़ कर लेते हैं तो कोई भी अगर आप यूज़ करते होइएगा स्क्रीन रिंग करने का, तो आप वो ऐप छोड़ के आप यही ऐप को यूज़ कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल और बहुत ही हल्का जो है आपका ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, जो आपको यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से आपके स्क्रीन को रिकॉर्डिंग करता है और बहुत ही परफेक्टली करता है। तो गाइस अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके का नया नया वीडियो मैं पर डे अपलोड करते रहता हूँ। सो गाइस आपने जाना कि किस तरीके से हम अपने मोबाइल के स्क्रीन को रिकॉर्डिंग करते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।